हे गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नो के पॉप सीरीज के बारे में। स्पार्क सीरीज तो आप लोग जानते ही होंगे, और ये जो पॉप सीरीज है यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च हुआ है। पॉप सीरीज कहने के मतलब इसका जो मॉडल नंबर है टेक्नो पॉप 5 प्रो। और अभी हम लोग करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग और जानेंगे इसके बारे में फुल डिटेल में, ये प्रोडक्ट यहाँ पे किस तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि टेक्नो ने इस बार कुछ चेंज करने का कोशिश करा है। बॉक्स पैकिंग को भी चेंज करा है। पहले जो टेक्नो का फोन होता था वो ऑरेंज कलर में देखने को मिलता था, अभी आपको ये यहाँ पे ब्लू कलर में देखने को मिलता है। थोड़ा सा चेंजिंग मिलता है। एंड इसके प्राइस की बात करें तो सो हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस कर लेंगे। और इसके अंदर हम लोग को मिलता है 6000 mAh की बैटरी, और इसके अंदर HD+ का डॉट नॉच स्क्रीन देखने को मिलेगा। और बैक साइड पे देखेंगे तो वही हाईलाइट है 3GB और 32GB का, और OTG सपोर्टेड है। सो ये काफ़ी हाईलाइट नहीं मेरे को लगा। एंड इसका वेरियंट 3G 32, और ये यहाँ पे हम लोग को ब्लू कलर में देखने को मिलता है। चलिए मैं करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। एंड आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फाइनली ये फोन आपको यहाँ पे ब्लू कलर में ही देखने को मिलता है। फोन के बारे में तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड साथ आने वाला जो बॉक्स कंटेंट है इन सबको थोड़ा चेकआउट करें तो इसके अंदर आपको सिलिकन केस नहीं देखने को मिलता है। सो ये मिसिंग रहा। एंड यहाँ पे आपको 1 साल का वारंटी कार्ड, कुछ डॉक्यूमेंट, मैनुअल, यूजर गाइड, ये सारा को देखने को मिलता है। सिंपली USB 2 micro USB डेटा केबल दिया गया है, और आपको एक 10 वॉट का ट्रिपल एडाप्टर। सो अभी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। लगे हुए इस रैपर को थोड़ा रिमूव करेंगे। अब फाइनली ये फोन आपके बिल्कुल सामने है, और ये जो है आपको यहाँ पे ब्लू कलर में देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे मैं डिजाइन की बात करूँ तो इस फोन का डिजाइन ओवरऑल सही है। यहाँ पे मैट सरफेस नहीं, मतलब मेटालिक नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक्सचर पैटर्न थोड़ा देखने को मिलता है, जिससे कि इसके ऊपर आपको ग्रिप जो है वो आपको काफी सही देखने को मिलेगा। नीचे में टेक्नो ने ब्रांडिंग करा है, सो आप काफी हाईलाइट करने के बाद आप देख सकते हो। ऊपर में आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, LED फ्लैश लाइट है, और यहाँ पे AI का ब्रांडिंग कराया गया। इसमें आपको किसी भी तरह का फिजिकल फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिलता है। एंड ये जो फोन है आप पूरा विंडो फिनिश की बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक में ही देखने को मिलता है। और लेकिन जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट मेरे को ठीक लगा, आपको जैसा लगा वो आप नीचे कमेंट में बता देना। और यहाँ पे अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो राइट हैंड साइड पे आपको पावर की और वॉल्यूम की दोनों देखने को मिल जाता है। एंड इस फोन के टॉप साइड पे बिल्कुल प्लेन सर्फेस रखा गया है, यहीं पे लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे तो सिंपल यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाता है, सो आपको डेडिकेटेड देखने को मिलेगा। और इस फोन के बॉटम साइड पे सारा कुछ मिल जाता है, जैसे कि 3.5 mm जैक लगाने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एक माइक मिलता है, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट लगाने का ऑप्शन मिलता है, और यहीं पे आउटपुट स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल जाता है।